शहर में जोमैटो हीरोइन डिलीवरी बॉय के नाम से मशहूर तीन आरोपियों को थाना 34 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में राजस्थान के गंगानगर निवासी 22 साल के ओम प्रकाश से 21.21 ग्राम हीरोइन मिली है। यहीं के रहने वाले 22 साल के सतीश कुमार उर्फ सोनू से 15.7 ग्राम और 20 साल के विकास से 16.3 ग्राम हीरोइन पकड़ी गई है। ऐसे में कुल 52.3 ग्राम हीरोइन तीनों से बरामद हुई। एसएसपी कंवरदीप कौर द्वारा प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा किया। एसएसपी ने कहा कि आरोपियों को पकड़ने में अहम भूमिका थाना 34 प्रभारी इंस्पेक्टर बलदेव कुमार की अगुवाई में उनकी टीम ने निभाई है। शनिवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ की चंडीगढ़ में रैली थी, जिसे देखते हुए पुलिस की ओर से सुबह के समय चेकिंग अभियान चलाया गया था। वाहनों की चेकिंग के दौरान सेक्टर 46, 47, 48, 39 चौक की ओर से दो मोटरसाइकिलें आई। दोनों पर कुल 3 युवक थे। पुलिस को देख भागने लगे युवकों की दोनों मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई। पुलिस ने इन्हें शक के आधार पर काबू कर इनके कब्जे से हीरोइन बरामद की है। जांच के दौरान पता चला कि तीनों आरोपी ट्राई सिटी में जोमैटो हीरोइन डिलीवरी बॉय के नाम से मशहूर हैं। इस गैंग का नाम भी जोमैटो है। ये गैंग पिछले 4 साल से ट्राई सिटी में रोजाना 40 से 15 ग्राम हीरोइन सप्लाई कर रहे हैं। एनडीपीएस की रिकवरी हुई है हमारे 34 सेक्टर पुलिस स्टेशन में। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये बहुत चलाक गैंग है। इसको इनका नाम लोकल कोलोकियल लैंग्वेज में जोमैटो गैंग पड़ा हुआ था, क्योंकि ये छोटे कॉन्ट्राबैंड की कंज्यूमर्स को डिलीवरी करते थे। तो फ़ोन पे ये अपनी लोकेशन देते थे इनको, और ये जाके वहाँ पे डिलीवर करके आते थे। डिलीवरी कई बार ये किसी जगह पे किसी कंस्पिकुअस प्लेस पे ये रख देते थे, और उस जो अपना कंजम्पशन करने वाला है उसको बता देते थे कि वहाँ पे रखा है, और वो वहाँ से आके कलेक्ट कर लेता था। 3 हमने इसमें दोषी अरेस्ट किए, ओम प्रकाश, सतीश कुमार, विकास। इनमें से जो सतीश कुमार है, ये दिल्ली बेस्ड एक ड्रग्स स्मगलर से कॉन्टैक्ट में है। दिल्ली जाके ये रेगुलरली वहाँ से ड्रग लाते रहे हैं पिछले समय में भी। चंडीगढ़ आके छोटे क्वांटिटीज में डिवाइड करके कंज्यूमर्स को ये बांटते थे। इनका नंबर कुछ कंज्यूमर के पास, जिनके पास इनका नंबर था, वो इनको व्हाट्सएप पे या ऐसी सोशल मीडिया ऐप्स पे इनको ऑर्डर प्लेस करते थे, और उस ऑर्डर के बाद उनको अपनी ये लोकेशन देते थे कि इस लोकेशन पे हम डिलीवर करेंगे, आप आके ले जाएं, और वो उस लोकेशन पे आके वहाँ पे इनको कर लेते थे। तो आम लैंग्वेज में इनको जोमैटो हेरोइन डिलीवरी बॉयज बोलने लगे पिछले कुछ समय से, और काफ़ी ज़्यादा ये नोटोरियस थे, और हमें बहुत ज़्यादा इनकी कंप्लेंट आ रही थी। सेक्टर 34 की पुलिस, एसडीपीओ साउथ और एसपीसीटी की सुपरविजन में ये सारा गैंग भी पकड़ा गया है। 3 लोग इसमें अरेस्ट हो गए हैं जो चंडीगढ़ में एक्टिव थे, और जो इनका सोर्स ऑफ ड्रग है दिल्ली में, उसके पास भी अब हम फॉलोअप करके उनसे भी हम अरेस्ट करेंगे। वहीं पता चला है कि सतीश कुमार पर पहले भी सेक्टर 34 थाने में 5 सितंबर 2021 और 3 अप्रैल 2021 को दर्ज अपहरण केस में पकड़ा जा चुका है, और वह लगभग 45 दिन बुड़ैल जेल में भी रहा था। उस मामले का ट्रायल लंबित है। पकड़े आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों से और भी कई खुलासे होंगे। टोटल इनसे तीनों से, ओम प्रकाश से 21 ग्राम, सतीश कुमार से 15 ग्राम और विकास से 16 ग्राम, टोटल 52 ग्राम हेरोइन हमारी इसमें रिकवर हुई है। तीनों गंगानगर के रहने वाले हैं। यहाँ पे नया गांव में किराए पे मकान लेके वहाँ पे रह रहे थे। लोकल रेजिडेंट नहीं है, इनकी फैमिली नहीं रहती, सिर्फ ये अपने बिजनेस के पर्पज से यहाँ पे आते हैं और बेचते थे, और अपना बिजनेस करके वहाँ पे वापस चले जाते थे। इनकी एज ही 22 साल और 20 साल, तो बहुत छोटी एज के हैं। पिछले हमें जो पता चला है कि पिछले 1 साल से ये ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और लोकेशन बेस्ड इनको डिलीवरी ये सबको कर रहे थे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, हमारे पिछले टाइम में जून के महीने में एनडीपीएस की रिकवरी बहुत अच्छी हुई है चंडीगढ़ पुलिस की। तकरीबन 9 केस हमने पिछले 2 हफ्तों में ही किए हैं, और उसमें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।